राज्य सरकार ने पिछली सरकार द्वारा चुनाव वर्ष में की गई घोषणाओं की स्क्रूटनी कराने का फैसला किया है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा है कि पिछली सरकार ने राजनीतिक फायदा लेने के लिए कुछ ऐसी घोषणाएं कर दी जो वायबल ही नहीं थी और ऐसी घोषणाओं की हम स्क्रूटनी करेंगे। पायलट ने कहा कि विकास का काम हम नहीं रोकेंगे लेकिन अनावश्यक घोषणाओं को जरूर रिव्यू करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क विकास के लिए काम किए जाएंगे और इसके लिए केंद्र सरकार से भी पैसा मांगा गया है। प्रदेश में सड़कों को जोड़ने का काम भी करेंगे। पिछली सरकार ने जाते जाते इतने सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिए थे, उनकी वित्तीय स्वीकृति निकाल दी थी जब बजट का प्रावधान नहीं था। हो सकता है चुनाव आ रहे थे, लोगों को लुभाने के लिए उन्होंने ऐसा किया हो, लेकिन उससे होता क्या है कि वो अतिरिक्त बोझ बढ़ जाता है। तो हम लोग स्क्रूटनी कर रहे हैं कि क्या प्रोजेक्ट्स वायबल थे, और पिछली सरकार ने जो विकास के काम किए हैं उसको रोकने का मतलब नहीं है, लेकिन जो अनावश्यक घोषणाएं कर दी हैं जहां ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए घोषणाएं करी हैं, उस पर दोबारा विचार करना पड़ेगा। क्योंकि सरकार के पास संसाधन नहीं है और डिपार्टमेंट के लोग जानते हैं कि बजट नहीं है, फिर भी आप पत्थर लगा दें या घोषणा कर दें ये जानते हुए कि सरकार जा रही है, नई सरकार आएगी, तो वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ सही नहीं है। तो हम लोगों को बड़ी समझदारी से पूरा विश्लेषण करना पड़ेगा।